हाय गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाओ और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाओ। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू श्री के व्लॉग्स। मैं हूँ सृष्टि और आज का जो व्लॉग होने वाला है वो एक एक्सपीरियंस व्लॉग होने वाला है और ये एक्सपीरियंस है एक नेशनल पार्क का, बैंगलोर में बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। इस व्लॉग की कुछ सेगमेंट्स ऐसी होंगी जो कैमरा से रिकॉर्ड नहीं की हुई हैं, वो रिकॉर्ड हुई हैं फोन से, तो उसके लिए प्लीज़ डोंट माइंड आने वाली वीडियोस। इनफैक्ट जब भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो G7X Mark II से हो रही है और आगे भी ऐसी ही क्वालिटी मिलेगी। बस कुछ सेगमेंट्स होंगे जहाँ पे मुझे कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं नहीं कर पाई, तो वो है फ़ोन की सेगमेंट्स। और आज का व्लॉग जो है, जैसे मैंने आपको बताया बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क बैंगलोर का, आपने शायद सुना होगा इसके बारे में क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था रिसेंट में, न्यूज़ में आया था ये कि वहाँ पे एक इंसान जो टाइगर को देख रहा था वो केज में गिर गया था और फिर टाइगर ने उसे नहीं छोड़ा था। तो आई वॉज एट वर्ज ऑफ इट, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था बट लकीली बाय गॉड ग्रेस ऐसा नहीं हुआ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ उस बारे में कि हुआ क्या। तो जब आप लोग बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे दो सेगमेंट्स हैं, एक ज़ू का सेगमेंट है और एक है सफारी का सेगमेंट। तो जो हमने स्टार्टिंग करी थी ज़ू के सेगमेंट से, तब तक वहाँ पे सब कुछ ठीक था क्योंकि सब एनिमल्स केज थे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको ज़ू का सेगमेंट जो था उसको हम एक्सप्लोर करते हैं पहले। जैसे कि आपने देखा ये था ज़ू वाला सेगमेंट जहाँ पे सारे एनिमल्स केज्ड थे, तो तब तक सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट बारी आई थी जंगल सफारी की, जिसमें कि मुझे जाना था कोर जंगल में और मैंने ली थी जीप की टिकट। तो जीप की टिकट में हमें जीप में जाना था कोर जंगल में, मतलब कि प्रॉपर जो जंगल का एरिया होता है जहाँ पे एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, कोई केज एनिमल्स नहीं होते हैं, सारे जैसे उनको रहना चाहे जहाँ मर्जी घूम सकते हैं। उसमें इट्स लाइक कि हम लोग को केज किया जा रहा है और एनिमल्स फ्री घूम रहे हैं, कुछ ऐसा सा सिनेरियो रहता है जंगल सफारी का। सफारी के बारे में आप सबको पता होगा, शायद आप में से काफ़ी लोग गए भी होंगे। तो जब बारी आई जीप की सफारी की, तो स्टार्टिंग में हम लोग गए, सब कुछ ठीक था। आप लोग एक बार देखिए कि सफारी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या हुआ, उसके बाद फिर मैं आगे आपसे बात करती हूँ कि हुआ क्या। Good.
तो जैसे कि आपने देखा हमें नील गाय दिखी, हमें टाइगर दिखा, सारे एनिमल्स प्रॉपरली दिख रहे थे, घूम रहे थे, कुछ भी इशू नहीं था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन फिर अचानक से ये हुआ कि दो भालू जो कि आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि मैंने जो हमारे साथ में जो इंस्ट्रक्टर थे, हमारे जीप में अराउंड 6 लोग थे, तो जो इंस्ट्रक्टर थे हमारे साथ उन्होंने बताया कि जब भी हीट स्ट्रोक होता है या इन लोग को भूख लगती है तो ये लड़ते हैं। तो जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने क्या किया कि उनके पास एक गन रहती है हमेशा, तो उस वो जो गन होती है उसमें ऐसा नहीं है कि दिल शॉट डेड और ऐसा कुछ, उनको मारते नहीं है वो, उसमें जो गोली होती है उससे सिर्फ भालू सिर्फ बेहोश होते हैं या कोई भी एनिमल होता है सिर्फ बेहोश होता है। उनको डराने के लिए या तो यूज होती है वो, आवाज करने के लिए या फिर उनको बेहोश करने के लिए कुछ क्रिटिकल सिचुएशन होती है। तो उनके पास वो गन थी, तो पहले वो भालू सिर्फ लड़ रहे थे, तो इंस्ट्रक्टर ने उन्हें रोकने के लिए सिर्फ उन्हें डराया, सिर्फ एक आवाज से उनको डराया। जब वो इतना डर गए, वो ऑलरेडी जो थे ना वो अटैकिंग मोड में आ चुके थे, क्योंकि आपस में लड़ रहे थे ऑलरेडी अटैकिंग मोड में थे, तो डरने की वजह से उन भालू ने क्या किया कि वो हमारी जीप के आगे आ गए और हमारी जीप पर हम पे अटैक किया। और उस टाइम पे जो इंस्ट्रक्टर था उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो क्या करता, तो उन्होंने उसको फायर किया और वो भालू वहां पे बेहोश हो गया। तो अब देखो कि ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये हुआ मेरे साथ, मतलब उस टाइम पे अश्वर मैं इतना ज्यादा डर गई थी। एक तो ये था कि मैं ऑफिशियल ट्रिप पे गई थी बैंगलोर में, तो घर वालों को नहीं पता था कि मैं घूमने जाने वाली हूँ और मैं अकेली भी थी, तो बहुत ज्यादा स्केरी हो जाता है ये। और जब भी आप लोग जाएं कभी भी जंगल सफारी में, तो मेक श्योर कि जो इंस्ट्रक्टर हो वेरी वेल ट्रेंड हो, वैसे तो होते ही हैं वो लोग, लेकिन थोड़ा सा सेफ रहिए और कभी भी नीचे नहीं उतरी है जीप से। वैसे तो वो लोग मना करते हैं कि जीप से नीचे जाने के लिए, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस वो दें उसको केयरफुली सुने और फॉलो करें, क्योंकि सबसे पहले इनफैक्ट हमारी अपनी सेफ्टी है। बाकी आई नो कि एडवेंचरस होता है ये सब, अच्छा लगता है हमें करना, मुझे भी बहुत मजा आया, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा इंसिडेंट किसी और के साथ ना हो इसलिए मैं कह रही हूँ। और बन्नेरघट्टा में पहले भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा स्केरी है बट एट द सेम टाइम एडवेंचरस है और बहुत अच्छा था। आई मस्ट एडवाइस कि आप सब लोग भी जाओ और एक्सपीरियंस करो। जिस लोगों ने मेरा पहले वाला ब्लॉग देखा होगा, मैंने बात करी थी इस स्टॉप के बारे में, तो मैंने रेड खरीदा है। तो जिन लोगों ने गेस किया है रेड, वो सब लोग सही हैं, वो लोग मुझे जानते हैं। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, सो मेक श्योर यू वॉच दैट ब्लॉग, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा ब्लॉग है। और जो आने वाले ब्लॉग है, जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे, जो सेटअप है मेरे घर वाला सेटअप नहीं है, थोड़ा सा अलग सेटअप है। मैं हूँ अभी गोवा में, तो जो आने वाले लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको गोवा की नाइट लाइफ, बीचेस, दूधसागर वाटरफॉल्स और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन और मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।